हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाई स्पीड फोटोग्राफी के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। हाई स्ट्रीमिंग फोटोग्राफी ट्रूली स्टनिंग स्लो मोशन वीडियो है जो कि फोटोग्राफ को एक नेक्स्ट लेवल में ले जाती है। हाई स्पीड मोशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम सब्जेक्ट को उस समय में रोक देते हैं, फ्रीज कर देते हैं, और जो इफेक्ट क्रिएट होता है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है, जिसमें आपको जो सब्जेक्ट होता है वो क्लियर रहता है, बाकी जो उसका पीछे का बैकग्राउंड होता है वो ब्लरी हो जाता है। और ध्यान रखिएगा, ये तभी होता है जब आपका सब्जेक्ट मोर क्लोजर हो। अगर वाइडर भी हो तब भी आपको अपनी शटर स्पीड के ऊपर फोकस करके रखना पड़ेगा। एंड हाँ, ध्यान रखिएगा कि जो आपकी फोकल लेंथ हो वो कम से कम हो। सो गाइज, मैं आपको कुछ इसके एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ। पॉपिंग बैलून, ये फोटोग्राफ मेरे को बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगी। थैंक्स रॉब हेल्किंस सर। इस फोटो को कैप्चर करने के लिए आपकी शटर स्पीड हाई होनी चाहिए और आपको उस फ्रेम के अकॉर्डिंग अपनी शटर स्पीड को रखना पड़ेगा। और ऐसी अमेजिंग फोटोग्राफ मैं आपको और दिखाता हूँ। तो गाइस, ये कुछ इफेक्ट थे जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगे। आप भी ऐसे इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, बस आपको दो चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले आपकी शटर स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, तब जाके ये कैप्चर आप कर पाएंगे। एंड सेकंड, आप इसे डे लाइट में शूट करें, और आर्टिफिशियल लाइट से भी शूट कर सकते हैं अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी वाली आर्टिफिशियल लाइट है, सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो आप इसको उन दोनों सिनेरियो में शूट कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि जो आपका सब्जेक्ट है वो कैमरा या फ़ोन किसी से भी कैप्चर करोगे उससे ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सब्जेक्ट के क्लोजअप हमारा कैमरा या फ़ोन होगा तब जो इफेक्ट क्रिएट होगा वो बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि उसमें हाफ से ज़्यादा फ्रेम में हमारा सब्जेक्ट होगा, और जिसकी वजह से वो ज़्यादा बड़ा लगता है और उसकी वजह से वो ज़्यादा अमेजिंग लगता है। कोई भी चीज़ जब ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेम में आएगी तो वो ज़्यादा अमेजिंग लगती है। और बाकी आपको एंगल टेक्निक के बारे में तो पता होना चाहिए, तभी जाके ये एक अच्छी सक्सेसफुल पिक्चर या फोटोग्राफ बन सकती है। सो गाइस, यही कुछ मेरी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। गाइस, आपको ये हाई स्पीड फोटोग्राफी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और मिलेंगे हम कुछ ऐसे ही क्रेजी इफेक्ट्स के साथ। बाय, टेक केयर।